I hope so. So good afternoon to all such cheer girls and cheer boys. I obviously mean cheerful persons. It has been a great pleasure coming to this beautiful hall and interacting with so many young, dynamic, energetic, enthusiastic, learned, knowledgeable, and vibrant brains of the profession. It is just like going to a shop of perfume. Even if you buy or not, you still get its fragrance. And additionally, it's also nice to see that you all put in a lot of efforts to make this program a grand event. My friends, it is often said, if you want to be remembered for few weeks, grow grass. If you want to be remembered for few years, grow trees. And if you want to be remembered for generations, then become a part of a professional institute. One such professional institute imparting education is our Institute of Chartered Accountants of India. Welcome to the world of Chartered Accountants. Probably today is the day to remember, a day to reckon with, a day to rejoice, a day to rejuvenate, a day to introspect. And here I will make a full stop. Introspection is what is required. हर समय अपने आप से बात करते रहें कि जो मैं कर रहा था वो सही था क्या, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या, क्या मुझे ये करना चाहिए थे क्या. ऑलवेज हैव द इंट्रोस्पेक्शन. बोलते ना कि कुछ भी काम करो अपनी पूरी मेहनत लगाओ, कांच के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ल देखो और अपने आप से बात करो कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था, अपना काम हो गया, अब रिजल्ट की चिंता हमें नहीं करना. दूसरी बात, मैं तीन बातें बोलना चाहूँगा. दूसरी बात मैं बोलूँगा बच्चों, लिव द लाइफ. आई एम सॉरी मैं बच्चों बोल गया, आप तो मेंबर्स हैं, अभी भी वही बच्चों और स्टूडेंट्स वाली बात ही चलती रहती है. बट लिव द लाइफ. बोलते ना, इंजरी ऑफ येस्टरडे एंड वरीज ऑफ टुमारो शुड नॉट बी अलाउड टू बाय द हैप्पीनेस ऑफ टुडे. जो आज है उसको तुम्हें पूरा जीव ना, जो कल गया उसकी चिंताओं में और आने वाले कल की चिंताओं में मैं अपना आज क्यों खराब करूँ. और तीसरी और खास बात मैं बोलना चाहूँगा बच्चों, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. पेरेंट्स से बड़ा गिफ्ट, पेरेंट्स से बड़ा पोजेशन, पेरेंट्स से बड़ा प्रेशियस पोजेशन इस जीवन में हमको कभी मिल ही नहीं सकता था. एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी, बहुत गरीब थी, बहुत पैसा नहीं था, वही तीन चार साड़ियों में अपनी सारी जिंदगी बिता रही थी. उसकी सारी सहेलियां बोलती थी, क्या तेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है क्या, वही तीन चार साड़ियां पहनती है. जब देखो उसकी भी बहुत इच्छा होती थी कि वो नई साड़ी पहने, लेकिन करे क्या, उसके पास पैसा नहीं था, बहुत उसकी भी बहुत इच्छा होती थी. एक एक पैसा इकट्ठा किया और आज बाजार जाके साड़ी लेके आई है. उसको कल एक पार्टी में जाना है, बहुत खुश है कि मुझे वो नई साड़ी पहनूंगी, सब सहेलियों को दिखाऊंगी. क्या तुम बोलती रहती हो मेरे पास नई साड़ी नहीं है, नई साड़ी नहीं. उसका समय नहीं निकल रहा, बार बार जाती है, अलमारी खोलती है और देखती है दिन बहुत बड़ा लग रहा है. अगला दिन हुआ, शाम को जाने के लिए तैयार होने लगी, अलमारी गई, साड़ी खोली, वो साड़ी पहनने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने चेंज कर रही है. उसकी वो छोटी सी गुड़िया 9 महीने 10 महीने की पांव के बल चलते हुए आई, दीवार का सहारा लिया, खड़ी हुई, माँ की तरफ घूमी और माँ को पकड़ने के लिए एकदम बढ़ी, नहीं संभल पाई. एकदम उसने माँ की वो न्यू ब्रांड साड़ी हाथ से पकड़ ली, उसके सारे हाथ चॉकलेट से सने हुए हैं. माँ की वो न्यू ब्रांड साड़ी एक सेकंड में उस चॉकलेट से गंदी हो गई और माँ ने एक बार भी ये नहीं देखा कि मेरी साड़ी गंदी हो गई. अरे मेरी बेटी तो आज पहली बार अपने आप एक कदम चली है बिना किसी के सहारे. बच्चों, हमारे एक एक मोमेंट को हमारे माँ बाप ने सेलिब्रेट किया एक फंक्शन के रूप में और हम कभी भी लाइफ में इतने बड़े नहीं हो सकते कि उनको जवाब दें. जब हम पहली बार बैठे थे, जब हम पहली बार गुड़के थे, जब पहली बार चले थे, जब हमने पहली बार बोला था मम्मी पापा. बच्चों, एक एक हमारे मोमेंट को हमारे मम्मी पापा ने सेलिब्रेट किया है फंक्शन के रूप में और हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते कि उनको टोके. यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे और मम्मी ने बोल दिया कि बेटे जरा ये ड्रेस मत पहन, ये जरा ठीक नहीं लग रही, दूसरी पहन ले. मम्मी प्लीज चुप रहो ना, मैं जानती हूँ मम्मी क्या बोल रही हूँ, मुझे मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं समझती नहीं हूँ. या पापा आई नो, मैं भी 10 नंबर का जूता पहनता हूँ पापा, मेरे को भी अक्कल आ गई. आई नो. अरे हम एक बार भी ये नहीं देखते कि हम किसको बोल रहे हैं. हम उस आदमी को बोल रहे हैं जो जी हमारे लिए रहा है, जिसके सारे मिशन, सारे विजन, सारी प्लानिंग हमसे स्टार्ट होती है और हम पे एंड होती है. बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कर सको तो करना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आज का बहुत बढ़िया दिन है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट आज करने को बोल रहा हूं. आज जब भी घर जाएं, कंफर्टेबल हो, अपनी मम्मी के पापा के पांव छुइएगा और उनको सिर्फ बोलिएगा मम्मी मम्मी सॉरी, पापा
पापा सॉरी मम्मी मम्मी आई डोंट नो मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ मम्मी आई डोंट नो पापा आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग सॉरी टू यू लेकिन मम्मी मुझे माफ करिए पापा मुझे माफ करिए आज तक मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं उन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं आपको एक ऐसा बच्चा बन के दिखाऊंगा जिस पे आप मुझ पे घमंड कर सकोगे जिस पे आप मुझ पे फख्र कर सकोगे। बच्चों हमारा रियल कन्वोकेशन तो स्टार्ट ही उस समय होगा। वो दिन अपनी जमीन अपना आत्मा पैदा कर अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर नई उमंग नई तरंग नए अरमान पैदा कर ये जमाना जान दे तुझ पर तू ऐसी शान पैदा कर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच।